हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट 15 करंट अफेयर्स 21 मई 2019 के। आप इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इस सीरीज़ से बाहर नहीं आएगा। आपको इस सीरीज़ को रेगुलर फॉलो करना है, क्योंकि मैं इस वीडियो सीरीज़ में करंट अफेयर्स के साथ साथ काफ़ी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता हूँ, जो कि आपके जीके पोर्शन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। आपको इस वीडियो सीरीज़ को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है शेयर करके, ताकि इस वीडियो सीरीज़ का मैक्सिमम लोगों तक फ़ायदा पहुंच सके। सो विदाउट फॉर द डिले, लेट्स स्टार्ट बेस्ट 15 करंट अफेयर्स 21 मई 2019 के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड द सेकेंड इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट बिगन इन मई 2019। सेकेंड इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट कहाँ पर स्टार्ट हुआ है मई 2019 में? ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है गुवाहाटी में। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, गुवाहाटी। गुवाहाटी एक सिटी है असम में, असम की कैपिटल है दिसपुर, और चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं असम के जगदीश मुखी। बॉक्सिंग के जो भी इंटरनेशनल लेवल के मैच होते हैं वो कंडक्ट करवाता है एक बॉडी, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर है लॉजैन स्विट्ज़रलैंड में। इसका बॉडी का इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं गफूर राखीमोव। बॉक्सिंग के इंडिया के मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर्स हैं जैसे मैरी कॉम, जो कि 3 बार वर्ल्ड चैम्पियन रह चुकी हैं, विजेंद्र सिंह, अखिल कुमार एंड जितेंद्र कुमार। ये भी याद रखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर हैं बॉक्सिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, द सुधीरमन कप टूर्नामेंट बिगन इन चाइना इन मई 2019, इट इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? सुधीरमन कप टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है चाइना में, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? सुधीरमन कप रिलेटेड है बैडमिंटन से। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बैडमिंटन। बैडमिंटन के टूर्नामेंट याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये देखिए ट्रिक का, दीवाना सुधीर तुल्ला का नारंगी चड्डा देख थम गया। आपको इस लाइन को 2 से 3 बार रिपीट करना है, आपको ये लाइन हमेशा के लिए याद हो जाएगी। दीवाना से बन गया दीवाना कप, सुधीर से सुधीरमन कप जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तुल्ला से रहमतुल्ला कप, नारंगी से नारंग कप, चड्डा से चड्डा कप, थम से थॉमस कप। ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट कप्स हैं बैडमिंटन के, आपको बिल्कुल याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर्ड विद गूगल ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टेलीकॉम डे 2019? किसने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टेलीकॉम डे 2019? ये पार्टनरशिप की है BSNL ने। सो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों ही पोस्ट हैं अनुपम श्रीवास्तव के पास। अनुपम श्रीवास्तव ही हैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर BSNL कंपनी के, और CEO हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं गूगल के सुंदर पिचई। ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैव ओवर 2.7 लाख रोहिंग्या रिफ्यूजीज बीन रजिस्टर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस सेवरल गेटिंग आइडेंटिटी कार्ड्स एज देयर फर्स्ट एवर प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंटेशन? किस कंट्री को यूनाइटेड नेशंस ने रोहिंग्या रिफ्यूजी को रजिस्टर करने के लिए बोला है और उनको आइडेंटिटी कार्ड्स इशू किए जाएंगे इस कंट्री द्वारा एज अ प्रूफ? ये कंट्री है बांग्लादेश। सो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और करेंसी है टाका। प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के शेख हसीना और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हमीद। रोहिंग्या बिलोंग करते हैं म्यांमार से, जो ए ऑप्शन है हमारा, म्यांमार से बिलोंग करते हैं रोहिंग्या जी। काफ़ी समय से ये इशू चल रहा है रोहिंग्या रिफ्यूजी का। म्यांमार की कैपिटल है नेपिडाओ और प्रेसिडेंट हैं म्यांमार के विन मिंट। काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार, सो रिमेंबर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल ड्रग्स सर्वे 2019, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मोस्ट कॉमन स्टिमुलेंट्स यूज्ड बाय इंडियंस? ग्लोबल ड्रग्स सर्वे ने एक सर्वे किया है, मोस्ट कॉमन स्टिमुलेंट्स यूज्ड कौन से होते हैं इंडिया में? सबसे ज़्यादा नशे यूज होते हैं इंडिया में अल्कोहल, टोबैको, कैनबिस। सो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, अल्कोहल, टोबैको, कैनबिस, ई ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड एवर टू ब्रेक इन टू द 100 मिलियन कैटेगरी फॉर फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया? कौन सा फर्स्ट क्रिकेटर बना है जो कि 100 मिलियन कैटेगरी फॉलोअर्स बना है सोशल मीडिया पर? ये प्लेयर हैं विराट कोहली। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, विराट कोहली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द एशिया यूथ इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस। किसे सिलेक्ट किया गया है एशिया यूथ इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में? इनका नाम है मुदासिर नाजिर वानी। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, मुदासिर नाजिर वानी को सिलेक्ट किया गया है एशिया यूथ इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में और चेयरमैन है यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो गुटेरेस, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ क्वेश्चन, अ ड्विंडलिंग यूजर बेस हैज फोर्स्ड गूगल टू शट डाउन इट्स वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म। व्हाट इज द नेम ऑफ गूगल्स प्रोफेशनल वीआर वर्चुअल रियलिटी वीडियो सॉल्यूशन? गूगल शट डाउन कर रहा है अपना रियलिटी प्लेटफॉर्म, वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म, इसका क्या नाम है वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म का? इसका नाम है जंप। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, जंप। गूगल कंपनी है कैलिफोर्निया यूएसए की, ये भी याद रखिए, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं गूगल के सुंदर पिचाई, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन, वेयर हैज़ स्टारबक्स ओपन्ड अ साइलेंट कैफे वेयर अबाउट हाफ ऑफ द स्टाफ आर हियरिंग इम्पेयर्ड। स्टारबक्स ने एक साइलेंट कैफे ओपन किया है, ये कहाँ पर ओपन किया है, जिसमें आधे से ज़्यादा स्टाफ हियरिंग इम्पेयर्ड है? ये सिटी है ग्वांगजू, ग्वांगजू सिटी है चाइना में, ये भी याद रखिए। चाइना में कैपिटल है बीजिंग और प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग प्रेसिडेंट हैं चाइना के, और चाइना के लिए इंडिया के एम्बेसडर हैं विक्रम मिश्री, ये भी याद रखिए। चाइना में एक सिटी है शंघाई जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट 5G एनेबल्ड सिटी बनी है, ये भी याद रखिए। अगर पूछा जाए फर्स्ट कंट्री कौन सी बनी है 5G एनेबल्ड, उसका आंसर होगा साउथ कोरिया, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ क्वेश्चन, वेयर विल द टू डे मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बी हेल्ड इन 2019? काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है SCO की, ये मीटिंग कहाँ पर संपन्न हुई है, जो कि टू डे मीटिंग है, ये संपन्न होगी किर्गिस्तान में। सो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। SCO के शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के टोटल मेंबर हैं 8, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। आई रिपीट, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं रशीद अलीमोव, जो कि बिलोंग करते हैं ताजिकिस्तान से, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, विच US गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स सेल्ड नियर डिस्प्यूटेड आइलैंड्स क्लेम्ड चाइना इन द साउथ चाइना सी इन मई 2019? कौन सी दो गाइडेड मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया है USA के द्वारा साउथ चाइना सी में मई 2019 में? इस मिसाइल का नाम है USS चुंगहून और USS प्रेबल। सो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, USS चुंगहून एंड USS प्रेबल। USA के डिफेंस मिनिस्टर हैं पैट्रिक एम शहानन। USA में डिफेंस मिनिस्टर को बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, ये भी याद रखिए। USA की कैपिटल है Washington DC। Washington DC हेडक्वार्टर है IMF का और वर्ल्ड बैंक का। वाइस प्रेसिडेंट बहुत पूछते हैं एग्जाम में USA के, उनका नाम है माइक पेंस, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, विच इंडियन रेसर्स जंप्ड इनटू द लीड इन द लेडीज कैटेगरी आफ्टर राउंड 3 ऑफ द फार्मूला 4 साउथ ईस्ट एशिया चैंपियनशिप इन मई 2019? कौन सी इंडियन रेसर ने लीड किया है कैटेगरी आफ्टर राउंड 3 साउथ एशिया चैंपियनशिप को? इसको लीड किया है स्नेहा शर्मा ने। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, स्नेहा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑब्जर्व्ड डे ऑन एवरी ईयर? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है हर साल? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है 20th मई को, यानी कि आज के दिन, एक दिन पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 20th मई को मनाया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। 2019 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे का थीम रहा है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स फंडामेंटली बेटर, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स फंडामेंटली बेटर। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे को कन्फ्यूज़ नहीं करना है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे को, दोनों की प्रोनंसिएशन सेम है लेकिन बोथ आर अलग हैं, डिफरेंट हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है 20th मई को, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है 23rd मार्च को, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल MM नरावने
visited Miza camp where he facilitated the meritorious military personnel by awarding commendation cards. He is the army commander of Dash Command. Lieutenant M.M. Narvane visit हुए Miza camp पर. इन्होंने award दिया. ये किस command के army commander हैं? Lieutenant General M.M. Narvane. ये आर्मी कमांडर हैं ईस्टर्न कमांड के. सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, ईस्टर्न कमांड. नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन. विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू टैप इनटू मसाला बॉन्ड मार्केट बाय लिस्टिंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड्स मसाला बॉन्ड इन LSE द इंटरनेशनल सिक्योरिटी मार्केट. कौन सी इंडिया की फर्स्ट स्टेट बनी है मसाला बॉन्ड को टैप करने वाली और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करने के लिए? ये स्टेट है केरला. सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, केरला. केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम. केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन और गवर्नर हैं केरला के पी साथीविसम. पी साथीविसम ये भी याद रखें. नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन. इंडिया कंडक्ट नावल एक्सरसाइज सिम्बैक्स 19 इन द साउथ चाइना सी. दिस एक्सरसाइज इज कंडक्ट इंडिया एंड विच कंट्री. रिसेंटली सिम्बैक्स हुई एक्सरसाइज साउथ चाइना सी में. इंडिया किसके साथ करता है सिम्बैक्स एक्सरसाइज करते हैं इंडिया और सिंगापुर. सो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, सिंगापुर. एक एक्सरसाइज है इम्बैक्स करते हैं इंडिया और म्यांमार. एक है स्लाइनेक्स एक्सरसाइज करते हैं इंडिया और श्रीलंका. तीनों की प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है, तीनों को कन्फ्यूज़ नहीं करना है. सिम्बैक्स होती है इंडिया और सिंगापुर के बीच, स्लाइनेक्स होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच, इम्बैक्स होती है इंडिया और म्यांमार के बीच. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा 17th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन इटालियन ओपन 2019 इन मेंस कैटेगरी. इटालियन ओपन 2019 में मेंस कैटेगरी में किसने जीता है? ये कप जीता है रफाल नडाल ने. सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन. वुमेंस कैटेगरी में जीता है कैरोलिना प्लिस्कोवा. दोनों याद रखिए, एक क्वेश्चन तो आपको इसमें से आएगा ही जरूर. सो रिमेंबर बोथ. इटालियन ओपन रिलेटेड है टेनिस से, ये भी याद रखिए. सो ये थे ऑल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 21 मई 2019 के जो हमने डिटेल में डिस्कस किए काफ़ी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ. सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. इफ़ यू डू नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल वाईफाई एजुकेशन प्लीज़ सब्सक्राइब इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर. गुड बाय. गॉड ब्लेस यू ऑल.